रेलवे मंत्री ने आज भारत के प्रथम ब्लास्टलेस ट्रैक का वीडियो शेयर किया है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह ट्रैक गुजरात में बिछाया जा रहा है। जो लोग बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सिर्फ अहमदाबाद मुंबई की फास्टर स्मूदर रेल जर्नी के दायरे में देख रहे हैं, उनके लिए यह समझना काफ़ी जरूरी होगा कि यह प्रोजेक्ट वास्तव में विश्व की रेल की सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी भारत में लाने का और उस तरह से भारत की रेलवे प्रणाली के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट है। विश्व की श्रेष्ठ रेलवे प्रणाली जापान से यहाँ आए, यहाँ के लोग जापान जाके ट्रेनिंग ले, जापान से एक्सपर्ट यहाँ आके ट्रेनिंग दे, कई प्रणालियों का भारत में यूज़ होना शुरू हो और इस तरह से बनना भी शुरू हो, यूनिवर्सिटियों में इसका सिलेबस हो और यह सब होने पर इवेंचुअली देश के और बिजी रेल रूटों पे भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेजी से, सरलता से और मेक इन इंडिया कॉम्पोनेंट के साथ बिछाए जा सकेंगे, जैसा चीन या जापान ने किया है। सभी बिजी रूट पे बुलेट ट्रेन का ऑप्शन दिया है, रेलवे का नए जमाने में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। इसी तरह अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जननी होगा भारतीय रेल के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो अगले कुछ दशक में सिद्ध होगा। ब्लास्टलेस ट्रैक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के साथ भारत में आ रही सैकड़ों नई रेलवे टेक्नोलॉजीज का बस एक छोटा सा नमूना है। आइए देखते हैं रेलवे मंत्री ने जो वीडियो शेयर किया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन के लिए भारत में पहली बार एक विशिष्ट ट्रैक सिस्टम जे स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम प्रयोग में लाया जा रहा है। इस ट्रैक सिस्टम के मुख्यतः चार भाग हैं: वायाडक्ट के ऊपर आरसी ट्रैक बेड, सीमेंट एस्फाल्ट मोटर लेयर, प्रीकास्ट ट्रैक स्लैब, फास्टनर्स के साथ रेल। प्रीकास्ट आरसी ट्रैक स्लैब का निर्माण देश में ही दो स्थानों पर किया जा रहा है। गुजरात में आनंद और किम लगभग 35,000 मीट्रिक टन रेल आ चुकी है। ट्रैक निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। यह विशिष्ट ट्रैक सिस्टम अद्वितीय इंजीनियरिंग की मिसाल है और मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण है।